अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेडिकल एजुकेशन अपडेट्स के लिए आपको खुश आमदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS और BDS के एडमिशन्स के हवाले से एक अपडेट शेयर करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आपके सामने खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है, वो मौजूद है। ये नोटिस जो है, इसके ज़रिए ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने MBBS BDS के एडमिशन्स के लिए जब अप्लाई किया था, उस वक्त उन्होंने स्पेशल एग्ज़ाम की जो ऑप्शन थी, यस का इंतखाब किया था। मतलब क्या कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने स्पेशल इम्तहान में अपीयर होना था, सप्लीमेंट्री इम्तहान में अपीयर होना था, या उन्होंने अपने मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए इम्तहान देना था, तो उन्होंने अपना रिज़ल्ट अपडेट नहीं किया था क्योंकि वो स्पेशल इम्तहान में अपीयर होने जा रहे थे। उस वक्त उन्होंने यस की ऑप्शन इख्तियार की थी। डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, अब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ऐसे तमाम स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन अपडेट दी है, नोटिस जारी करके कहा है कि क्योंकि इंटर का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, स्पेशल एग्ज़ाम का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, वो अपना रिज़ल्ट जो है अब अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एडमिशन पोर्टल को रीओपन किया है और उसका लिंक भी इस नोटिस में मौजूद है। मैं आपके साथ ये लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से ओपन करके आप लॉगिन होकर आपने DMCs जो है वो आपने अपलोड करनी है। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, DMC क्या है? डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट है, यानी जब आपने आपके मार्क्स इंप्रूव हो गए हैं या आप सप्लीमेंट्री इम्तहान आपने क्लियर कर लिया है, जो आपका नया रिज़ल्ट आया है उसका जो रिज़ल्ट कार्ड है, जो रिज़ल्ट शीट है, उसको आपने स्कैन करना है और स्कैन करके आपने लॉगिन होना है। लॉगिन होकर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, एक और अहम खबर ये तीसरे पॉइंट पर बताई गई है कि जब आप लॉगिन होंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो उसका इंटरफेस भी आपके सामने आएगा, तो आपने वो डेफिशिएंसी जो है उसका जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होगा वो आपने उसको कंप्लीट करना है। कोई भी डेफिशिएंसी हुई वो आपको इंटरफेस के थ्रू आपको मालूम हो जाएगी, आपने उस कमी को पूरा करना है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि आपने कोई हार्ड कॉपी वगैरह जो है वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी को नहीं भेजनी, सिर्फ आपने अपना ओरिजिनल आपकी जो DMC है उसकी स्कैन कॉपी जो है वो अपलोड करनी है। और डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये जो DMC अपलोड करने का कहा गया है, या ये कह लीजिए कि जो आपका अपडेटेड रिज़ल्ट है वो फिल करने के लिए कहा गया है, उसकी लास्ट डेट 23 जनवरी 2022 है। उसके बाद आप अपना रिज़ल्ट अपडेट नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिए ताकि आपको मेडिकल एजुकेशन अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।